नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको हमेशा की तरह एक कृषि की उन्नत तकनीक बताने जा रहे हैं जो बहुत ही आसान एवं कम मेहनत वाली है। कई किसान इसको करते भी हैं। यह तकनीक है सब्जियों की छटाई। सब्जियों की छटाई किसानों के द्वारा की जाती है, परंतु इसमें कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही आसानी से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सब्जियों की छटाई 3 अलग अलग साइज में की जाती है, जिससे भाव अच्छा मिलता है। एक साथ बेचने में औसत मूल्य बहुत कम आता है, परंतु कई किसानों को यह कार्य पसंद नहीं है। वह बिना छटाई के ही बेचते हैं। नरसिंहगढ़ तहसील के पांजरा ग्राम के किसानों के द्वारा यहाँ अनिवार्य रूप से किया जाता है तथा सब्जियों में अच्छा लाभ कमाया जाता है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं उमराव सिंह लघुवंशी ग्राम पांजरे में रहता हूँ और अधिकतर सब्जी की खेती करता हूँ। और यहाँ ये सब्जी है जो अनेक अनेक प्रकार की, टमाटर भी है, ककड़ी भी है, टिंडा भी है। ये इसकी लंबी लंबी वो कतारें बना के नहीं इसमें लगाई जाती है। इसको कीटनाशक दवा छिड़कना पड़ती है, इसके बाद में फिर इसको बाज़ार में इसकी क्वालिटी बना के बाज़ार तक ले जाना पड़ता है। प्याज तो जैसे कि बाहर वाले यहीं से ले जाते हैं, कभी कभी हम भी दिल्ली गाड़ी लोड कर देते हैं। बाकी इसकी क्वालिटी बनाना पड़ती है, वो छोटा माल अलग करना पड़ता है, थोड़ा दागीला माल अलग करना पड़ता है, इसके बाद में ही उसको मार्केट में ले जाना पड़ती है जब भाव उससे अच्छा मिलता है। हम जो ये सब्जियाँ तोड़ते हैं और जो है इसकी क्वालिटी जो बनाते हैं, तो अच्छी क्वालिटी का डलिया जो बनाते हैं उसमें डलिया से मैं अच्छी क्वालिटी, एक डलिया में थोड़ा हल्का माल है दूसरी डलिया में, इस प्रकार से क्वालिटी बनाना पड़ती है। और यहाँ से जो लेके नहीं, नरसिंहगढ़ पास में जो मंडी है उसमें सप्लाई करते हैं। हम जो इसकी फसल जो तोड़ते हैं वो एक दिन छोड़ कर तोड़ना पड़ती है। जैसे कि आधी फसल आज तोड़ ली तो उस जगह में कल नहीं तोड़ना है, परसों तोड़ना है, एक दिन छोड़ के उसको फल तोड़ना है। अब जो हम छटाई करते हैं वो आप देखना कि ना, हम छोटा माल को अलग रख देते हैं और जो थोड़ी बड़ी साइज होता है उसको हम अलग क्वालिटी बनाते हैं, ताकि वो माल हमारे क्वालिटी बनाने से पैसा अच्छा मिल जाता है। हल्के माल का थोड़ा कम पैसा मिलता है, थोड़ा अच्छा माल होता है उसका पैसा अच्छा मिल जाता है। पहले जो है हम खेत में से तो सभी को इकट्ठी तोल देते हैं और इसके बाद में जो एक जगह इकट्ठी करने के बाद वो सबको छट्टी करना पड़ती है, छट्टी करने के बाद में डलिया बनाना पड़ती है। इसी तरीके से जो ये टमाटर है ना, जिसका जो थोड़ा ऐसा छोटा दाना है ये, इसको भी हम तोड़ के नहीं और खेत से जो बाहर ले जाकर इसको हम छटाई करते हैं, फिर डलिया अलग अलग क्वालिटी की अलग डलिया बनती है। जैसे कि ये छोटा दाना है, ये छोटे दाने को अलग करना पड़ती है, थोड़ा बड़ा वाला है उसको अलग करना पड़ती है। इसी तरीके से जो हम ये मिर्ची भी तोड़ते हैं, मिर्ची के जो साथ में जैसे कि ये पत्ती आ जाती है, ये थोड़ी मिर्ची खराब वाली दिखती है, उसको हम अलग छाट देते हैं। जो अच्छी मिर्ची होती है, अच्छी मिर्ची होती है उसको हम अलग रख लेते हैं। इसी तरीके से जो है हम बैंगन को भी तोड़ते हैं और इसको छटाई करके नहीं इसको मार्केट में ले जाना पड़ता है। जैसे कि ये कटा हुआ है, इस पर जो है ये मच्छर की वजह से ये ख़राब हो गया है और ये मार्केट में नहीं बिकता है, इसको हमें फेंकना पड़ती है। यहाँ ख़राब माना जाता है और अच्छा जो दाना होता है उसको हमें अधिकतर इस प्रकार से, ये अच्छा दाना है इसको अच्छा भाव मिल जाता है, इसको छटाई करते हैं, इसी प्रकार तोड़ते हैं बस। हमने जो पहले बिना छटाई से भी माल को सप्लाई की है नरसिंहगढ़ में,